जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटा रेसिपी, जो कि विदाउट ऑनियन गार्लिक का है, विदाउट ऑनियन गार्लिक काजू पनीर। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो टमाटर ली हूँ मीडियम साइज का, एक हरी मिर्च ली हूँ और एक इंच अदरक का टुकड़ा है जिसका हम मसाला बनाएंगे। और साथ ही मैं क्रीमी टेक्सचर के लिए यहाँ पर काजू, चारमगज और पोस्तो लिए हैं, यानी जो कि खसखस है वो लिए हैं, जिसका एक और एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे जिससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर निखर कर आएगा। यहाँ पर मैं पनीर को मैरिनेट कर रही हूँ। पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक और साथ ही में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड की हूँ और सबको अच्छे से मिक्स करके उसको मैरिनेट कर रही हूँ। पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है तो उसको अच्छे से देख के मैरिनेट कीजिएगा, और आप चाहे तो इसको 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक गैस पर कढ़ाई ली हूँ और जिसमें रिफाइंड ऑयल ऐड की हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल के बदले आप घी या फिर बटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर तेल के साथ घी या बटर को मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये बिना प्याज लहसुन का रेसिपी है तो आप इस पे घी और बटर यूज़ करेंगे तो और अच्छा टेस्ट इस पे खिलकर निखर कर आएगा। तो मैं यहाँ पर तेल ज़्यादा ली हूँ। तेल ज़्यादा इसीलिए ली हूँ क्योंकि आप देखें, मैं यहाँ पर काजू को फ्राई करके निकाल ली हूँ और साथ ही में थोड़ा सा मैं यहाँ पर कैप्सिकम ली हूँ। कैप्सिकम को ऐसे फ्राई करके उसी प्लेट में ही निकाल लिए हैं, और बाद में जो ऑयल हमारा कढ़ाई में बचा उसी में ही मैं पनीर को ऐड करके थोड़ा सा ही सैलो फ्राई कर रही हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप उसी टाइप का फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको कड़क वाला पसंद हो तो आप उसको थोड़ा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट रहने से बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसको सैलो फ्राई किया है। तो एक बार बस उसको पलट के सैलो फ्राई करके यहाँ पर मैं प्लेट में निकाल ली हूँ पनीर को। पनीर भी हमारा पूरा रेडी हो चुका है, तो उसी ऑयल में ही मैं यहाँ पर खड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ। खड़ा मसाले में मैं थोड़ा सा लौंग ली हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च ली हूँ और एक तेज पत्ता ली हूँ, थोड़ा सा दालचीनी ली हूँ और दो इलायची ली हूँ, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा ली हूँ। इसको मैं अच्छे से चटकने टाइप अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर वो जो हमारा प्योरे बनाए थे हम वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड की हूँ ताकि हमारा जो कलर है ग्रेवी का वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए। साथ ही में मैं हल्दी भी इसी टाइम पे ऐड कर ली हूँ। अभी हमारा रेड चिली पाउडर और हल्दी, खड़ा मसाला सब अच्छे से पक चुका है, तो मैं अब यहाँ पर अपना जो प्यूरे बनाई थी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का, वो प्यूरे मैं इसमें ऐड कर ली हूँ और मसाले को बहुत ही अच्छे से हम लोग भुनेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा आधा भुन चुका है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर हमारा 1/2 टेबल स्पून के बराबर है, और थोड़ा सा मैं दालचीनी पाउडर भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाला भुनने टाइम ही, और उसको अच्छे से हम लोग भुनेंगे। मसाला जितना जल्दी से और जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट निखर कर आएगा, ये तो आप सबको पता ही है। और साथ ही मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ली हूँ जिसे मैं हाथों की मदद से क्रश करके इस पे ऐड करके मसाले को अच्छे से भून रही हूँ। देखिए साइड साइड से हमारा ऑयल भी पूरा निकल चुका है और मसाला हमारा पूरा भून कर रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं की हूँ, यहाँ पर मैं इसको दूध की मदद से भून रही हूँ। यहाँ पर मैं बस अभी फ़िलहाल 1 कप दूध ऐड की और मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली। जब हमारा मसाला थोड़ा सा पकने लगा तो उसी में मैं जो काजू और खसखस और पोस्तो का जो पेस्ट बना के रखी थी वो ऐड की हूँ। वो ऐड करने के बाद उसको 2-3 मिनट आप भूनिएगा, और साथ ही में यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड की हूँ और तीखा वाला रेड चिली पाउडर ऐड करके मसाले को फिर से अच्छे से भून रही हूँ। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ज़्यादा टेस्ट निकल कर आएगा, तो इसीलिए मसाले को अच्छे से भुनिएगा। और साथ ही में टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा शुगर ऐड की हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको कैप्सिकम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद हो आप यहाँ पर कैप्सिकम और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कच्चा वाला कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा स्मेल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको पहले से ही फ्राई करके हल्का सा ही इसमें ऐड की हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पर पनीर भी ऐड कर ली हूँ। पनीर और मसाले को जैसे अच्छे से हम लोग भून रहे हैं, उसके साथ ही मैं
स्टार्टिंग में भी एक कप दूध ऐड की थी मसाला भूनने टाइम, अभी पनीर ऐड करने के बाद और एक कप दूध ऐड की हूँ और उसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ, ताकि मसाला और पनीर जो है हमारा वो अच्छे से पक जाए और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए। और इसी स्टेज पर आप चाहे तो ये मैं हरी मिर्च ऐड की हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड करने से इसका एक बहुत ही सौंदा खुशबू निखर कर आता है। और साथ ही में यहाँ पर आप चाहे तो ये बटर यूज़ कर सकते हैं या फिर एक चम्मच घी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट निखर कर आता है। मैं जो काजू फ्राई करके रखी थी वो काजू फ्राई मैं इस पर ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें बटर ऐड की हूँ, लेकिन मैं सर्विंग के टाइम पे बटर ऐड की हूँ, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए आप इसी स्टेज पे जैसे हमारा ये हरी मिर्च और काजू ऐड करने के बाद एक चम्मच घी या फिर एक क्यूब बटर इसमें ऐड कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निखर कर आता है। बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा काजू पनीर बनकर रेडी हो जाता है। विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला काजू पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको आप घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल ग्रो करने में मेरा मदद ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं एक सर्विंग प्लेट में हमारा जो काजू पनीर है उसको सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना टेस्टी और लाजवाब लग रहा है। इसको आप घर पे ज़रूर बनाइए और इसको नान, रोटी, पराठा या फिर कोई भी फ्लेवर राइस या फिर नॉर्मल राइस के साथ भी इसको अच्छे से मज़े से एंजॉय करके खाइएगा। विदाउट ऑनियन गार्लिक वाला काजू पनीर हमारा बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।